तख्त तसल्ली जेल मशक्कत कोई किसी का यार नहीं, कैदी कहे बीमार बीमार डॉक्टर कहे बीमार नहीं, एक चवन्नी फेंक कर देखो भर्ती से इनकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज 24 अक्टूबर है और चुनावी शंखनाद बहुत पहले हो चुकी, लेकिन महारैला 23 अक्टूबर यानी कल से शुरू हुई और बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी मैदान में देश के प्रधानमंत्री ने रैली किया, बहन मायावती जी ने रैली किया भभुआ के मैदान में, और बहुत सारे नेता रैली किए हैं, जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु बिहार की जनता की क्या डिमांड है, क्या चाहती है, यह नेता समझने के लिए तैयार क्यों नहीं। देश के वित्त मंत्री लोभ लालच देते हैं कि कोविड वैक्सीन सबसे पहले बिहार की जनता को हम देंगे। क्या पूरे देश की जनता कोई कसूर किया है, क्या किसी कोई गुनाह है कि वहां पर चुनाव नहीं है, आप बिहार की जनता को सबसे पहले वैक्सीन देंगे। बहन मायावती जी जब भभुआ के मैदान में भाषण दे रही थी और अपनी रैली में उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरी राजद वाले दे रहे हैं और 19 लाख भाजपा वाले, 15 साल राजद गठबंधन ने राज किया, 15 साल जदयू गठबंधन ने राज किया, ये लोग नौकरियों की प्रतियोगिता कर रहे हैं, नौकरियां देने की जो है ठग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों ने जो है शासन किया है, अब आप हमें मौका दीजिए, हम दवाई और सारी व्यवस्था ठीक कर देंगे। लेकिन बहन जी यह समझ नहीं पा रही हैं कि बहुजन समाज उस मुहाने पर खड़ा है कि हाथ में अब कटोरा आ गया है, कोरोना के नाम पे इस समाज को दमन किया गया है। जब सड़क पर यह समाज मजदूर के रूप में धक्के खा रही थी, कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा था, और आज जब तेजस्वी यादव ने आंकड़े दिए 10 लाख नौकरियों का, जो उन्होंने एक अपना पिच बनाया है, उस पिच पर खेलना कोई क्यों नहीं चाहते। भाजपा वाले 19 लाख रोजगार की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि रोजगार तो पकौड़े तलने वाला भी हो सकता है, और ये 15 साल से कर क्या रहे थे, रोजगार सृजन क्यों नहीं कर पाए। आप समझते होंगे, देखते होंगे न्यूज कि जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल के पीच पर कोई खेलने नहीं आता, ठीक उसी तरह आज बिहार में तेजस्वी यादव के पीच पर कोई खेलने नहीं आ रहा है, कोई जवाब प्रॉपर नहीं दे रहा है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। जब उनके सामने प्रश्न रखा जाता है तेजस्वी यादव के सामने, और ये सब सब बोलते हैं कि पिछला जंगल राज याद करो, तो तेजस्वी यादव कहते हैं क्या मैं उस जंगल राज का हिस्सा था, अगर मैं हिस्सा हूं तो मैं जिम्मेवार हूं। लेकिन आप उस जमाने की बात करते हैं, नीतीश और मोदी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, आप केवल वही गाना गा रहे हैं जिस समय को हमने देखा तक भी नहीं। हमारे जो साथी हैं, युवा साथी जो 15-20 साल के उम्र के हैं, उन्होंने उस जंगल राज को नहीं देखा है। हमने आंकड़े दिए, हम नौकरी करेंगे, नौकरी देंगे, पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी। प्रश्न यह है आप 10 लाख युवा को हम नौकरी देंगे अथवा नहीं देंगे, इसके ऊपर बहस कीजिए, नौकरी का नाम ही क्यों नहीं लेना चाहते हैं। और भाजपा शासित हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उस केंद्र को भी जोड़ लीजिए, क्या पिछले 6 साल में क्या 6 लाख नौकरी दिए हैं? इनका काम है संस्थाओं को बेचना, उससे पैसे अर्जित करना, अदानी अंबानी इनको मजबूत करना। राज्य की जनता हो अथवा देश की जनता हो, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और रही बात ये बहन मायावती जी उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाने की बात करती है, आप अपनी गठबंधन की बात कीजिए, आप बहुजन समाज की बात कीजिए, बहुजन समाज के युवाओं के दिन कैसे बदलेंगे इसकी बात कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के पास इतना जनाधार नहीं है, क्योंकि यहां पर लड़ाई है यूपीए और एनडीए की, और
या तो एनडीए जीत जाएगी या यूपीए जीत जाएगी, क्योंकि बिहार की दो मुख्य पार्टियां हैं। आप किंग मेकर बन सकती हैं, या तो आप एनडीए को समर्थन कर देंगे अथवा यूपीए को समर्थन कर देंगे। जो आप मान्यवर काशीराम का नाम नहीं लेते हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेते, ये पूरा का पूरा बहुजन समाज के नेताओं से मुंह से बाबा साहेब का नाम सुनना पसंद करता है, मान्यवर काशीराम का नाम सुनना पसंद करता है। उपेंद्र कुशवाहा आपके गठबंधन के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बहुजन महापुरुषों के किसी लाइन में नहीं आते। और पूरा का पूरा बहुजन समाज हमेशा असुरक्षित रहता है, चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लें अथवा बिहार देख लें, जहां से उसको सुरक्षा की गारंटी मिलती है, जहां से उसको रोजगार की चमक दिखती है, ये बहुजन समाज बिल्कुल भोले भाले की तरह जाकर खड़ी हो जाती है बगल में। इस समाज को समझने की जरूरत है। ये समाज जो बहुजन समाज का तबका है, कभी आप जाके देखिए उस टोला में, उस मोहल्ला में, वहां पर बेरोजगारी की दर क्या है, भूखमरी की दर क्या है, क्या वहां पर बीमारी कैसी है, क्या उसको समुचित इलाज मिलता है। अगर इलाज में आप सरकारी के तौर पर दवाई भी दे देंगे तो जिस रोगी को भर पेट भोजन नहीं मिलेगा उसको एक नई बीमारी लग जाएगी। और इस तरह की समस्या बिहार में है, आपने देखा होगा। मैं हमेशा बहुजन समाज के मुद्दे को उठाता हूं, परंतु अगर कोई राजनीतिक दल जो बहुजन समाज से संबंधित हो किसी पूंजीपति से गठबंधन कर ले, तो मैं अपना कैमरा लेके उस पूंजीपति के दरवाजे पर जाकर नाच नहीं कर सकता। मैं केवल बहुजन समाज को दिखाऊंगा। बहुजन समाज में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब आती है। हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। हम आपके राजनैतिक जो भी दाव पेच है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम किसी राजनैतिक दल के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हमें जनता का प्यार चाहिए। आम जनता किधर जा रही है, आम जनता की सोच क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और बिहार की जनता जब जब तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं, ललचाई हुई निगाहों से देखती है, उसको लगता है कि ये कुछ करेगा, ये कुछ पलटेगा। और रही बात ये, जब तेजस्वी यादव जी से पूछा गया, आप तो माय समीकरण को लेकर चल रहे थे, माय समीकरण का मतलब मुस्लिम प्लस यादव, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा नहीं, मैं तो ए टू जेड को लेकर चल रहा हूं, सभी जाति सभी धर्म सभी युवा हमारे भाई हैं और मैं सबको बराबर हिस्से से रोजगार देना चाहता हूं। भूख सबको लगती है, रोटी सबको चाहिए। तेजस्वी यादव जिस हिसाब से चल रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं उसी फॉर्म में रहे, उसी ट्रैक पर रहे, तो बिहार का केजरीवाल बनने में इनको ज्यादा देर नहीं लगेगी। बिल्कुल इन्होंने अपना राइट ट्रैक पकड़ लिया है और पूरे बहुजन समाज को तेजस्वी यादव के जो बताए हुए जो भी ट्रैक है, जो भी रास्ते हैं, उस पर चलना चाहिए, क्योंकि यहां पर कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही है। बिहार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। ये आपके राजनीतिक दल का हिस्सा बनकर कठपुतली बनना यहां की जनता नहीं चाहती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।